मुहर्रम का वक्त है और मैं हूँ राजस्थान में। बिहार और राजस्थान के मुहर्रम में मुझे बड़ा फ़र्क दिखा है, और वो फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ पे ताजिया जो है वो हम लोग ले कर जाते हैं जुलूस के शक्ल में, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि देख रहे हैं सामने बच्चे बहुत जोश में है, एक बार नारा लगा दो। अब मैं दिखाता हूँ ये क्या करते हैं। हमारे यहाँ लाठियाँ खेली जाती है, यहाँ पे ये क्या करे बच्चे रस्सी के साथ वो देखते हैं क्या करते हैं। तो लाठी के जगह पे यहाँ पे ये खेल करते हैं, उसको सेंटर बोलते हैं। ये जो अभी कर रहे हैं इसको सेंटर कहते हैं ना, और यहाँ पे एक कपड़े की बनी रस्सी है जिससे एक दूसरे के बदन पे मारते हैं। और ये सेंटर खेल रहे हैं और यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। भाई साहब डर लग रहा है देख के। तो पहली बार व्लॉगिंग देखने के लिए इतने बच्चे आ गए यहाँ पे। बच्चों की ताजिया थी ये, बड़े लोगों का बनाया हुआ ताजिया है। और तो हम लोग ताजिया को लेकर निकलते हैं। यहाँ वैसा नहीं होता है, यहाँ जोधपुर के अंदर नहीं, 1967 से पहले निकलते थे। फिर क्या है कि कुछ ऐसा वाक्य हो गया जोधपुर में चढ़ने का, जब से क्या है हमारे बुजुर्गों ने डिसीजन लिया कि भाई अपना आदमी को एक काम पर ही खड़ा करेंगे, बाहर नहीं। इतना सिनेमा के पास जो है एक पेड़ आया हुआ है, पीपली का पेड़, पीपल का पेड़ है। वो क्या है कि वो अड़ता था, तो कुछ हमारे गैंग टीम जो होते हैं वो लोगों ने एतराज किया, फिर कहा अपन में झगड़े हुए क्या मतलब। इसलिए जब से क्या है कि काजी को सब अपने अपने मुकाम पर ही रखते हैं। ये तो मतलब अच्छी बात है, समाज में शांति के लिए आपने अपने मतलब मजहब के जो नियम थे उनको बदला, उनको उन चीजों पे आपने ये कर लिया कॉम्प्रोमाइज कर, ताकि वो समाज में शांति बनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आखिरी दिन क्या करते हैं आप लोग, जैसे हमारे यहाँ है कि वो करबला जाते हैं और वहाँ दफन होता है। यहाँ जो आखिरी जो जैसे कब कल 10 तारीख है, आज तो जैसे ये शहादत की रात है, इसको ये लोग बात करते हैं कत्ल की रात, कत्ल की रात नहीं है ये, शहादत की रात है। बिल्कुल, हमारे हम तो यही कहेंगे कि भाई शहादत की रात है, शहादत की रात है। कल शाम को इसको क्या है, फिर आप लोग तो वहाँ जो है कोई पानी में ले जाके इनको ठंडा करते हैं, कहीं या फिर वो कब्रिस्तान बने हुए हैं वहाँ ले जाके ठंडा करते हैं। बाकी जोधपुर के अंदर पक्की इमारतें हैं, सब पक्की इमारतें हैं, लकड़ी की बनी हुई है, उसको सालों साल रिपेयर करते हैं, और एक स्थान खुला हुआ है मस्जिदों में वहाँ ले जाके रखते हैं। अच्छा, ये फिर मस्जिद में रखा जाएगा, और वो जो बच्चों ने बनाया है वो बच्चे तो फिर वो ले जाके, वो तो क्या है ले जाके पानी में ठंडा।
अच्छा, ये सिर्फ जोधपुर में रखने की कल्चर या फिर पूरे राजस्थान में? नहीं, सिर्फ जोधपुर जोधपुर में ही है। अच्छा। बाकी जोधपुर के आसपास गांवों में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, सब जगह निकल, सब जगह निकल के सिर्फ ओनली जोधपुर के अंदर ही अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। तो देखा आपने कि समाज में शांति बनी रहे इसके लिए लोगों ने अपने धर्म के जो वो नियम थे उनमें बदलाव किया और समाज सही तरीके से रहे, कोई झगड़ा ना हो। इस वजह से ये जो ताजिया है ये मोहल्ले में ही रहती है और लोग कहीं किसी भी तरीके के जुलूस को नहीं निकालते हैं।